की नई ऊंचाइयों को अगर पार करना है, मेरे नौजवान साथियों, भारत ने अपना पूरा ध्यान भारत की युवा शक्ति पर केंद्रित करने की जरूरत है। युवा शक्ति के भरोसे, उनके सामर्थ्य के भरोसे, उनकी टैलेंट के भरोसे हम दुनिया के अंदर भारत का लोहा मनवाने के लिए सामर्थ्यवान बन सकते हैं। और अब दुनिया जमीनी लड़ाई से चलने वाली नहीं है जी। हार जीत जमीनी लड़ाइयों से नहीं होने वाली, वो जगत समय बीत चुका है। अब बाहुबल से नहीं, दुनिया बुद्धिबल से चलने वाली है। धन बल से भी ज्यादा बुद्धिबल काम करने वाला है। और उसके लिए सामर्थ्यवान नागरिकों को तैयार करना, सामर्थ्यवान नागरिकों के भरोसे विश्व की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारत को अपने आप को सज्ज करना होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मेरे भाइयों बहनों, मैं जानता हूं ये प्यार, ये आशीर्वाद, ये जय जयकार, इसके भीतर अपेक्षाएं पड़ी हैं। आकांक्षाएं पड़ी है, लेकिन आपका सपना मेरा सपना है। आपकी इच्छा आकांक्षा है, मेरी इच्छा आकांक्षा है। आप जिस रूप में भारत को देखना चाहते हैं, मैं भी उसी रूप में भारत को बनाना चाहता हूं। फर्क इतना है कि पहले सरकारों लगता था देश बनाएंगे, मैं मानता हूं सरकारें देश नहीं बना सकती और नहीं बनाना चाहिए। देश बनता है देशवासियों के कारण, देश बनता है देशवासियों की शक्ति के कारण। और अगर हम देशवासियों को अपनी शक्ति का भरपूर उपयोग करने का मौका दें, रुकावटें न डालें, सरकार इतना ही करे ना, हट जाए। आपको हैरानी होगी, मैंने आकर के पहले की सरकारें इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने फुटिकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। आपने सुना होगा सब चुनाव में, मेरी गाड़ी उल्टी है। उनको कानून बनाने में मजा आता था, मुझे कानून खत्म करने में आनंद आता है। ऐसा बोझ बना दिया है। अरे जरा खिड़की खोलो भाई, लोगों को जीने दो, खुली हवा मिलने दो, खिलने लगेगा जी। देश के नागरिकों पर मुझे भरोसा है, देश के नागरिकों के सामर्थ्य पर भरोसा है, और उन्हीं के भरोसे देश आगे बढ़ने वाला है। सरकारों के भरोसे देश नहीं चल सकता है और न चलना चाहिए, इस विचार का मैं इंसान हूं। क्षेत्र में डिग्निटी, अभी मैंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, उसका नाम रखा है श्रम एव जयते। हम सत्य में जयते से तो परिचित थे, मैंने कहा श्रम एव जयते, डिग्निटी ऑफ लेबर, इस बात को आगे बढ़ा रहा हूं मैं।